हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम क्रिएशन आइडियाज़। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको एक पेच वर्क का ये एलिफेंट दिखाया था। आज हम इसी को बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने जो मुझे ये एलिफेंट का डिज़ाइन बनाना था, इसके लिए मैंने लिया है, ये मेरे पास एक कुशन है, रेडीमेड कुशन लिया था हमने, उसके ऊपर ये हाथी का पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इसी को मैंने बटर पेपर है उस पर ट्रेस कर लिया है। इससे मैंने प्लेन पेपर था ये, उसे इसके ऊपर रख के पेन से बहुत इजीली ट्रेस हो जाता है। ये बटर पेपर आपको कहीं भी किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे इजीली अवेलेबल होगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप जो मार्केट से रेडीमेड साड़ी या शर्ट्स लेते हैं तो उनकी पैकिंग में ज़रूर मिल जाएगा आपको। और इसके लिए मैंने लिया है, ये फ्रेम लिया है एम्ब्रॉयडरी के लिए, ये फेविकॉल है, ये आप ये जनरल पर्पज़ फेविकॉल लिया है, आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं। ये थ्रेड है, ये निडल है, पेन पेंसिल और ये एंकर का थ्रेड लिया है मैंने, और ये सीज़र। अब ये जो मैंने ट्रेस किया है एलिफेंट, इसमें जो इसकी आइज़ हैं, अलग अलग पोर्शन हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो मेरे पास लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स थे उसमें से मैंने इस टाइप से कट कर लिया है। ये देखिए, ये सभी अलग अलग पीसेज हैं, ये अलग है, ये आइज़ है, ये सभी जो डिज़ाइन है, इसके जो लेग्स हैं यहाँ पे, ये सभी मैंने छोटे छोटे पीसेज हैं वो कट करके उसका पेचवर्क करके मैंने इसे बनाया है। अब इसे मैं एक दूसरा पीस बना के आपको दिखा रही हूँ कि इसे बनाना कैसे है। ये मुझे अगले अपने कुछ डिज़ाइन के लिए एक पैटर्न बनाना था तो मैंने यही डिज़ाइन ट्रेस कर लिया है। ये सिंपल था तो इसके लिए मैंने बटर पेपर का यूज़ नहीं किया है, मैंने ये जो लीव्स हैं और ये फ्लावर है उसके लिए मैंने इस तरह से पेपर पे कटिंग करके उसे कपड़े पर रख के ट्रेस किया और उसे कटिंग कर लिया सिंपल। ये ऐसे पहले मैंने बेसिक पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है इसके ऊपर। अब हम इसको ये ग्लू है उसकी हेल्प से चिपका लेंगे। ग्लू से चिपकाने से आपको ये होगा कि आप जब इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो वो कहीं पे आपका डिज़ाइन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा और आपको इजी हो जाएगा एम्ब्रॉयडरी करने में। इसे हम स्टिक कर रहे हैं, इसके लिए मैंने इसकी जो आउटर लाइनिंग है उसके पास से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है। ये जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको इसके साथ रख के पेस्ट कर रही हूँ। ये इस तरह से हमने जो इसकी डिज़ाइन थी वो पूरी स्टिक कर ली है। ऐसे ही हम जो भी पूरा पैटर्न है अपना, अदर फ्लावर्स हैं, वो सब स्टिक कर लेंगे। ये मैंने तीनों स्टिक कर लिए हैं ग्लू से। अब हम इसको ये फ्रेम में फिट करके और फिर इस पे जो आउटर लाइन है यहाँ पे हम लोग एम्ब्रॉयडरी से इसको पेच वर्क करेंगे। ये मैंने इसको ये फ्रेम में लगा लिया है। अब हम इसके लिए यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करके जो एक सिंपल काज स्टिच होती है वो मैं बना रही हूँ। ये जो मैंने थ्रेड लिया है वो ये जो एंकर का थ्रेड लिया है मैंने, इसमें ये 6 थ्रेड्स होते हैं तो मैंने इसको पूरा नहीं लिया है, 6 मैंने इसको हाफ कर लिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और आपको एम्ब्रॉयडरी करने में डिफ़िकल्ट होगा। काज स्टिच बहुत सिंपल है, बहुत इजीली कर सकते हैं आप। ये इस तरह से आपको लेना है, जो इसकी बाउंड्री है वहाँ पे आपका ये थ्रेड आना चाहिए और बिल्कुल पास पास में आपको इसको बनाना है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये कंट्रास्ट में मैंने लाइट कलर लिया है तो पिंक ग्रीन कलर के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है इसका।
इसी तरह मैं इसको पूरा बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है ये। पूरा एम्ब्रॉयडरी होने के बाद में इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।